जिम में, ये जिम करते समय या चलते फिरते समय हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? देखिए, तो एक्सरसाइज के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है हमारा शरीर के लिए हाइड्रेट बना रहना, क्योंकि अगर हमारा शरीर हाइड्रेट बना रहेगा तब हमारे शरीर में पानी की कमी महसूस नहीं होगी और हमारी मांसपेशियों में खिंचाव भी नहीं होगा। तो हमें अगर शरीर को अपने हाइड्रेट रखना है तो हमें जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हर समय थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, ताकि मसल्स में दर्द भी ना हो और थकान से भी बचा जा सके। और इसी के साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में तो हमारे शरीर से कैलोरीज बर्न होती हैं और इसी से सोडियम और पोटेशियम की मात्रा भी कम होती चली जाती है। ऐसे में शरीर में पानी की मात्रा का बैलेंस बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड ड्रिंक ली जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ऐसा करके मसल्स के दर्द से बचा जा सकता है। अगर आपको सही में अच्छा वर्कआउट करना है, अच्छी बॉडी शॉडी बनानी है, तो आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में सही पानी की मात्रा थकान और दर्द से बचाती है। अगर आप वर्कआउट में बीच बीच में पानी नहीं पियेंगे तो आपकी मसल्स में ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा और वर्कआउट के बाद और दर्द होगा। एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा नहीं, लगभग एक बड़ा गिलास पानी धीरे धीरे पिएं। इससे आपका वर्कआउट बहुत ही अच्छा होगा और आप बिना थके जिम लगाने में भी सक्षम हो पाएंगे। चलिए गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।